दोस्तों मिस्र सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर लो कम ही पड़ती है। यहाँ के लोगों की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन और यहाँ के पिरामिड लोगों को हैरान करते हैं। आज हम आपको मिस्र के बारे में ऐसे ऐसे दिलचस्प और शर्मनाक बातें बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों प्यार के मामले में मिस्र लोग बहुत ही आशिक मिजाज हुआ करते थे। एक दूसरे के साथ नजायज संबंध बनाना मिस्र की बहुत बड़ी रिवायत हुआ करती थी और यहाँ के लोग बहुत ही खुले स्वभाव के हुआ करते थे और यहाँ पर जिसे जो भी पसंद है वो उसके साथ नजायज संबंध बना सकता था। यहाँ तक कि एक बाप का अपनी बेटी के साथ, एक भाई का अपनी बहन के साथ नजायज संबंध बनाना आम बात होती थी और यही कारण था कि यहाँ पर नजायज बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे रोकने के लिए शायद मिट्टी और मगरमच्छ के गोबर से एक ऐसा पेस्ट तैयार किया था जिससे अनचाही प्रेगनेंसी को रोका जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर बादशाहों के साथ चंद नौकरों को भी दफनाया जाता था। यहाँ के लोग नौकरों को बेहोश करके उन्हें बादशाह के साथ जिंदा ही दफना दिया करते थे, क्योंकि ये लोग मौत के बाद की जिंदगी पर विश्वास करते थे। इसलिए जब ये मम्मी बनाते थे तो उसके साथ इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजें दफना देते थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, मिस्र के लोग अपने जिस्म पर बालों से बहुत नफरत करते थे, जिसके कारण यहाँ पर मर्द और औरतें जिस्म पर सिर्फ आईब्रो को छोड़कर बाकी सभी जगहों के बालों को साफ कर देते थे। और कहा जाता है कि ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि वहाँ के लोग साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी थे। यहाँ की औरतें उन्हीं लोगों से संबंध बनाती थी जिनके बाल नहीं होते थे। मिस्र के लोगों में हुनर कूट कूट के भरा हुआ था। इन लोगों को हैरत अंगेज इमारतें बनाना आता था, इसलिए आपको हर एक दीवार पर उनकी कलाकारी देखने को मिल जाती थी। और कहा जाता है कि आज भी मिस्र में कुछ जगहों पर ऐसी नक्काशी देखने को मिलती है जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। और कहा जाता है मिस्र की औरतें उन लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं जो हुनरमंद हुआ करते थे। दोस्तों ज्यादातर मूवीज में मिस्र के लोगों को पतला दिखाया गया है, लेकिन मम्मियों पर रिसर्च होने के बाद ये बात सामने आई कि वहाँ के लोगों की कमर चौड़ी हुआ करती थी और वो ज्यादातर शराब, शहद और ज्यादा चीनी वाले खानों का इस्तेमाल किया करते थे। मिस्र के लोग अपने दांतों को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी समझते थे और वो लोग मम्मियों को टूथपेस्ट के साथ ही दफना देते थे। और आपको ये बात पता नहीं होगी कि टूथपेस्ट का आविष्कार इन्हीं लोगों ने किया। मिस्र के लोग टूथपेस्ट बनाने के लिए बैल की खुर और जले हुए अंडों की राख का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों मिस्र के लोग बहुत ही ज्यादा हुनरमंद थे। उन्होंने अपने लिए दवाइयां और कॉस्मेटिक क्रीम भी बना ली थी और मिस्र के लोगों का अपना कैलेंडर था, उनके अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे, उन्होंने बड़े बड़े शिप भी बनाए थे और उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, लैंप, ताला, चाबी आदि। दोस्तों मिस्र में हर एक हकीम सिर्फ एक ही बीमारी का इलाज किया करता था और मिस्र बादशाहों के पास हर एक बीमारी के लिए अलग अलग हकीम हुआ करते थे। मिस्र सभ्यता में बिल्लियों को बहुत ही पवित्र माना जाता था और वहां पर बिल्लियों को पूजा भी की जाती थी। वहां के हर घर में एक बिल्ली जरूर मौजूद होती थी। कहा जाता था कि यहाँ के लोग इन बिल्लियों को खूब सजा कर रखते थे और जब भी कोई बिल्ली मर जाती तो उसके गम में 7 दिनों तक शोक मनाया जाता था। हजारों सालों पहले मिस्र में औरतों को मर्दों के बराबर हक दिए जाते थे। औरतों को ये हक दिया जाता था कि वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती थी। इसके अलावा अपनी पसंद के मर्द से शादी भी कर सकती थी, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो शादी के बाद अपने पति को छोड़ भी सकती थी। लेकिन मिस्र में औरतों को फौज में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन फौज के अलावा इन औरतों को मर्दों के बराबर सभी हक हासिल थे। तो दोस्तों आपको ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।